अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। शुरू करते हैं जी आज इंटरेस्टिंग सेशन को, अल्लाह के नाम से नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी टाइम हो गया था जी न्यू लेक्चर नहीं आए, तो आज सोचा कि आपको कुछ न्यू चीज़ जो है वो सिखा दी जाए और मज़े की इन्वेंशन आज हम करेंगे। काफ़ी सारी क्यूरीज मेरे पास आ रही थी स्टूडेंट्स के हवाले से कि सर हमें वाइट बैकग्राउंड या वाइट किसी भी, जैसे फर्ज करें कोई टी शर्ट है, अगर हमने उसका पैटर्न चेंज करना है तो कैसे करना है, या कोई भी मॉकअप है, ब्लैंक मॉकअप है या वाइट बैकग्राउंड और वाइट प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर अगर हमने अपना आर्ट वर्क लगाना है तो वो कैसे लगाना है वो आप हमें बता दें। तो काफ़ी टाइम हो गया था, न्यू लेक्चर नहीं आए थे, तो चलें जी आज आप तमाम लोगों को डिजिटल फ्लेयर के यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदेद कहते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिजिटल फ्लेयर एम्पावरिंग माइंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की अगर स्किल्स को सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पिंग लेक्चर्स जो कि ऑलरेडी डिजिटल फेयर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनके लिए प्रॉपर मैं लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड कर लेता हूं और उन्हें स्टूडेंट्स को मैक्सिमम सपोर्ट के लिए यूट्यूब पे हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो आप तमाम लोग अगर चाहते हैं प्रोफेशनली किसी भी स्किल को सीखना तो डिजिटल फेयर 10 मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स जो हैं प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप तमाम लोग जो हैं मैक्सिमम कॉन्टेंट सीखें और अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करें। जैसा कि तमाम लोगों को पता है इस वक्त हम डिजिटल एरा में मूव कर रहे हैं और हमारी हर चीज़ जो है वो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो इस टाइम में करना क्या है, इस टाइम में हमें हुनर सीखना है और ऐसा हुनर जो कि मार्केट के हिसाब से हो ताकि हम इजीली अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी जो है बेहतर अंदाज से स्टार्ट कर सकें। तो काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, बेटा कन्फ्यूज मत हों, इस टाइम को यूटिलाइज करें, कोई ना कोई हुनर सीखें, ग्राफिक डिज़ाइन सीखें, वेब डिज़ाइन सीखें, एनिमेशन एंड आफ्टर इफेक्ट सीखें, कंटेंट राइटिंग सीखें, ये वो तमाम कोर्सेज हैं। ऑटोकैड सीखें कि कैसे आप घरों की एलिवेशंस डेवलप कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग सीखें, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अगर प्रोफेशनल मेंटोर से सीख लेते हैं तो आप इजीली अपना करियर बना सकते हैं। एनी हाउ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जी स्टॉक इमेजेस कहाँ से आएंगी, तो उसके ऊपर मेरा एक प्रॉपर लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप तमाम लोग वो देख सकते हैं कि रिसोर्सेज आपको कैसे मिलेंगे। तो रिसोर्सेज के ऊपर प्रॉपर मेरा एक लेक्चर है जिसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि फ्री स्टॉक इमेजेस आप इजीली जो है प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ब्लैंक इमेज जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे unsplash.com एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके हाई राइज इमेजेस जो हैं निकाल सकते हैं, ब्लैंक इमेजेस। तो मैंने यहाँ पे वाइट टी शर्ट मॉडल लिखा था, तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट वाइट टी शर्ट्स के मॉडल्स वगैरह आ गए थे, तो आप इन्हें ओपन करें और ईजिली जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फर्दर अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई राइज चाहिए तो ये आपके पास एक एरो सा आ रहा है, इस पर अगर आप जस्ट क्लिक करते हो तो ये आपको बता रहा है कि स्मॉल डाउनलोड भी कर सकते हैं, मीडियम एंड लार्ज फाइल, और ओरिजिनल साइज़ की फाइल भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और आप इसे अपने जो प्रॉपर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो टास्क है वो क्या है कि हमने वाइट प्लेन बैकग्राउंड टी शर्ट सर्च करनी है, जैसे कि ये भी वाइट शर्ट है, ये भी वाइट शर्ट है लेकिन ये दूर है, और ये भी वाइट शर्ट है। इसके ऊपर अगर आपने फर्ज करें अपना कोई ब्रांड बनाया है और आप अपने कैनवस के ऊपर अपने जो मतलब क्लाइंट को इंस्पायर करना चाह रहे हैं या उसको एक तरह से मॉकअप बनाकर दिखाना चाह रहे हैं तो आप बहुत आसानी से बना सकेंगे। ब्लैक टी शर्ट है, अगर आपको ब्लैक टी शर्ट चाहिए तो आप यहाँ से ब्लैक टी शर्ट डाउनलोड कर लिएगा। फिलहाल अभी हम वाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के लिए हमने वाइट टी शर्ट्स के मॉडल्स ले लिए। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, अब हमें पैटर्न रिक्वायर्ड है, तो बने बनाए पैटर्न भी हमें मिल जाते हैं। एक तो हम बनाते हैं जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स को आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है पैटर्न्स बनाना, लेकिन अगर हम क्विकली कहीं से चाह रहे हैं कि हमें पैटर्न्स बने बनाए मिल जाएं और उन्हें हम अपने कोई कलर कम्बिनेशन दे दें तो ज़्यादा अच्छी बात है,
कि आप किसी मतलब कहीं से भी कोई रेफरेंस लेते हो और आपको अगर स्टॉक मिल जाता है तो आप इजीली उसे अपने आर्टवर्क में अपने कलर कम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को वेबसाइट बता दूं, freepik.net, बहुत ही मजे की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट है और बहुत आसान कर दिया है इन्होंने ग्राफिक डिजाइनर्स के वर्क को। ग्राफिक डिजाइन का वर्क एज सच खत्म नहीं हुआ, लेकिन आसान इन अ सेंस के ग्राफिक डिजाइनर को बने बनाए क्विकली एलिमेंट्स मिल जाते हैं, फिर वो इजीली बाकी प्रॉपर डिजाइन को कंपोज इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी आपको डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपके पास डिफरेंट बेतहाशा आपके पास यहाँ पर पैटर्न्स मौजूद हैं आप, और इन पैटर्न्स को आप इजीली यूज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पे ग्रीन रंग का एरो सा बना हुआ नजर आता है, इट्स मीन ये पेड है, और जहां पर नहीं बना हुआ इट्स मीन आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका सिंपल, आप जस्ट क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड, अगर आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ फ्रीपिक पे तो ये आपको एक दिन के अंदर लिमिटेड आपको इमेजेस डाउनलोड करना, मतलब 5 या 6 इनकी लिमिट्स हैं, आप वो सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद नहीं कर सकते। अगर आप इसके ऊपर आईडी बना लेते तो फ्री की एक्सेस ये आपको दे देता है, जिनके ऊपर परचेज का ऑप्शन नहीं है तो आप इजीली जो है उन इमेजेस को उठा सकते हैं और अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमने दो चीजों को यहाँ से सर्च कर लिया है, स्टॉक में से निकाल लिया है और अब हम उसे यूटिलाइज करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अडोबे फोटोशॉप। तो अडोबे फोटोशॉप को सबसे पहले तो आप कर लें ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो स्टॉक इमेजेस आपने डाउनलोड किए हैं उनको आप ड्रैग कर दें। ये देखें डिफरेंट इमेजेस मैंने यहाँ से वाइट कलर की जो है प्रॉपर यहाँ पर डाउनलोड कर ली हैं। तो यहाँ पर जी हम दो किस्म की जो टी शर्ट्स हैं हम उन्हें ले लेंगे। फिलहाल ये क्लियर इमेज है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है और मॉडल जो है प्रॉपर जो है उसकी शेड भी प्रोमिनेंट हो रही है। तो हम यहाँ से इस मॉडल को ले लेते हैं और जस्ट हम इसे ड्रैग कर लेते हैं अपने अडोब फोटोशॉप के अंदर, और यहाँ पर लाकर जस्ट आप इसे रिलीज कर दें तो आपका इमेज जो है आपके अडोब फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। ये लॉक बना हुआ है, इट्स मीन ये आपकी सोर्स फाइल है और ये आपके बैकग्राउंड पर इमेज पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। इसकी जस्ट आप एक कॉपी ले लें और कॉपी लेने के लिए कंट्रोल जे, ताकि आपकी ओरिजिनल फाइल डिस्टर्ब ना हो और आप उसके ऊपर एक और लेयर ले लें जिसके ऊपर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि मैंने इसके वाइट एरिया में जो शर्ट है इसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करें और आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल मौजूद है। क्या मौजूद है? क्विक सिलेक्शन टूल, और क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से आप जस्ट इसे अंदर की तरफ ऐसे ड्रैग कर दें। तो ये देखें इसने सिलेक्ट कर लिया वाइट पोर्शन को, और यहाँ से अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया इसने छोड़ा हुआ है। तो ये आपको मेरी स्क्रीन पर एक सर्कल नज़र आ रहा होगा और सर्कल के अंदर प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। अगर आप आल्ट प्रेस करते हैं ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको सिलेक्शन में सिलेक्शन को ऐड करना है तो आपको कोई की प्रेस नहीं करनी, जस्ट आपको ड्रैग करना है। ये देखिए मैंने ड्रैग किया तो उसने वाइट पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखें यहाँ पर भी कुछ वाइट पार्ट है, तो आप इसे हल्का सा ड्रैग करें और यहाँ पे आपको वाइट ऐड करना है और यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इस सिलेक्शन के बाहर आल्ट प्रेस करें और यहाँ से आप इसकी सिलेक्शन को माइनस कर दें, ये देखें, और यहाँ से जी इसे दोबारा से प्लस कर दें, और आई थिंक सो इतना काफ़ी है। और हमने प्रॉपर टी शर्ट को सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको यहाँ से लगता है थोड़ा सा ये बाहर है तो आप इसे प्लस करके इसे थोड़ा सा अंदर कर लें, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ये आपने बहुत ही आसानी से अपने वाइट प्रोडक्ट, चाहे वो कोई बुक हो चाहे वो कोई मॉडल हो, मेन चीज ये है कि या तो आप फर्ज करें कोई अपना मॉडल लेना चाह रहे हैं और अपना ब्रांड के लिए कोई फोटोग्राफी कर रहा है कोई, तो फिर आपको क्या करना होगा, अपने मॉडल को वाइट टी शर्ट पहनानी होगी और उसकी स्नैप लेनी होगी और उसे फिर आप यूज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एज इट इज, जैसे हम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं अपनी ब्रांडिंग करूंगा, अपने मॉडल्स हायर करूंगा और मेरी प्रॉपर ब्रांड की जो चीज़ें हैं वो हम खुद डेवलप करेंगे, तो फिर आपको ऐसे करना होगा जैसे ये मॉडल आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह आप अपना कोई मॉडल खड़ा करेंगे और उसको वाइट टी शर्ट पहना दोगे तो ईजी हो जाएगा, आपके सिलेक्शन के लिए ईजी हो जाएगा। जब आप सिलेक्ट करोगे तो आप ईजिली वाइट एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने कर लिया। अब हम यहाँ पर पैटर्न लेकर आना चाह रहे हैं कि यार पैटर्न, तो हमें पैटर्न लाने के लिए सबसे पहले पैटर्न सेलेक्ट करना होगा।
पैटर्न सेलेक्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा जो हमने डाउनलोड किया था सॉफ्टवेयर से, वो मैं ये देखें, ये हमने फाइल सॉफ्टवेयर डाउनलोड की थी, हम जस्ट डाउनलोड पर चले जाते हैं क्योंकि मैंने सिलेक्शन जो किया हुआ था डाउनलोड किया हुआ था। तो यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स हैं, तो यहाँ से जी हैंड ड्रॉ फ्लैट डिज़ाइन जो है, अगर आप यहाँ से ओपन करें इसको डबल क्लिक करके, तो ये आपके पास EPS फाइल आ रही है। EPS फाइल वो फाइल होती है जो आपके अडोबे इलस्ट्रेटर में ओपन होती है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये आपके अडोबे इलस्ट्रेटर में फाइल ओपन हो गई, ये देखें, ये प्रॉपर एक पैटर्न है जो कि आप उठा के अडोब फोटोशॉप पे यूज कर सकते हो। तो अडोब फोटोशॉप पे लाने के लिए सबसे पहले आपको एक पेज और लेना होगा ताकि आप अपने डिजाइन को वहां पर प्लेस करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल फाइल में जाएं, फाइल में जाके आप न्यू में जाएंगे, क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आप न्यू में जाएंगे, और न्यू में जाके आप बेशक यहाँ पे पैटर्न लिख दें या मोटिव लिख दें, इट्स अप टू यू, और 1080x1080 रेजोल्यूशन 600x600 या 300 कर लें, ताकि अगर आपकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन इतने हाई फाई नहीं है तो आपका सिस्टम स्लो ना हो जाए, तो कोशिश करें कि फिर आप 300 कर लीजिएगा। और यहाँ पर जी मैं पैटर्न की फाइल बना ली। अब मेरे जो अडोब इलस्ट्रेटर में, अगर किसी को अडोब इलस्ट्रेटर नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, फाइल आपकी ओपन हो जाए, जस्ट आपने सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करना है और इसको जस्ट क्लिक करना है और इसे उठा के आपने जस्ट अडोब फोटोशॉप में ला के अपने माउस के बटन को रिलीज कर देना है। क्या करना है, अगेन सुन लें, आपने अडोब इलस्ट्रेटर पे आना है, सिलेक्शन टूल लेना है और ओवरऑल पैटर्न को सिलेक्ट करना है और इसको उठाना है, अडोब फोटोशॉप पे आना है और यहाँ पे लाके रिलीज कर देना है। अब आपके पास आपके कैनवस के ऊपर ये क्रॉस का निशान बना हुआ है। ये क्रॉस का निशान क्या है, ये आपको बता रहा है कि ये आपके पास इस वक्त रीसाइज हैंडल्स सेलेक्ट हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपका एंटर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरे आर्ट वर्क को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, इस पूरे पैटर्न को हमें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे। सेलेक्ट पे जाके ये ऑल का ऑप्शन आ रहा है। ऑल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ए। अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो आप पूरे कैनवस को सिलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज आप सिलेक्ट पे आए, ऑल पे क्लिक करें, आपका कैनवस जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस वाले पैटर्न को अपने पैटर्न्स में ऐड करना है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, जस्ट आप एडिट के बटन पर क्लिक करोगे, एडिट के बटन में जाके डिफाइन ब्रश पे क्लिक करोगे, क्या करोगे, डिफाइन ब्रश, और ब्रश में जाके आप अपने ब्रश का नाम लिख दो। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, कलरफुल पैटर्न, ठीक है, कलरफुल पैटर्न आपने नाम दिया और ओके कर दिया, ये आपके पैटर्न्स में ऐड हो गया पैटर्न गैलरी के अंदर। अब आप इसको वापस आ जाएं उस कैनवस के ऊपर जहां पर आपने अपने मॉडल को लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो पार्ट सेलेक्ट कर लिया है, तो अब हम उसके ऊपर यहाँ पे आपके पास क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास पैटर्न का ऑप्शन है, आप जस्ट पैटर्न के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोबारा से देख लें, आपने सिलेक्शन ली, उस लेयर को सिलेक्ट किया जिस लेयर के ऊपर आपने सिलेक्शन की हुई और उसके ऊपर आपने पैटर्न को अप्लाई करना। ये गौर से सुन लें, अगर आपने इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया और पैटर्न लगाना चाह रहे तो नहीं होगा, ये मेक श्योर करना है आपने कि जिस पार्ट के ऊपर आप पैटर्न अप्लाई करने जा रहे हैं उस पार्ट पे आपको स्क्रीन के ऊपर सिलेक्शन नजर आनी चाहिए, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने प्रॉपर जो है अपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपके पास यहाँ पर पैटर्न का ऑप्शन आ रहा है, आपने पैटर्न के ऑप्शन पर जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास कस्टमाइज, जो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी पैटर्न है वो उसने अप्लाई करके आपको दिखा दिया। अब हमने क्या करना है, अपना पैटर्न लगाना है जो हम लेकर आए हैं, तो ये आपके पास एक एरो नजर आ रहा है, इस पर जस्ट आप क्लिक करो और क्लिक करके ये आपके पैटर्न है, ये मैंने पहले यूज किया था और ये आप हमने अभी जो अभी हम पैटर्न लेकर आए हैं ये वो पैटर्न है। तो उसके बाद यहाँ पे वाटर का कुछ पैटर्न्स हैं और इसी तरह ग्रास के अकॉर्डिंगली कुछ पैटर्न्स हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर ने अपने जो उसकी अपनी गैलरी है उसके अंदर से ये आपको मिल जाते हैं। इसी तरह ट्री के पैटर्न्स हैं तो ये आपको मिल जाते हैं, तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, या आपने जो कस्टमाइज जो अपना पैटर्न लेकर आए हैं वो आप लाके यहाँ पे रख सकते हो या जैसे आप करना चाहते हो कर सकते हो। फिलहाल हमने इस पैटर्न को सिलेक्ट कर लिया,
उसके बाद जी पैटर्न का स्केल अप स्केल डाउन। तो जो पैटर्न जो है, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। इसका ये स्केलिंग है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। लिंक विद लेयर पे ऑलरेडी चेक्ड है, तो आपने बाकी किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना। जस्ट आपने 122 कर दिया और यहाँ से फाइनली आप ओके कर सकते हैं और एंगल भी दे सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई एंगल रिक्वायर्ड है, तो ये डिज़ाइन आपका उसी एंगल के ऊपर रोटेट हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसे एंगल वाइज रोटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मैं जो इसके अंदर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो आप इधर से कोई एंगल भी प्रोवाइड कर सकते हो। और फाइनली जी आप इसे ओके के बटन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करोगे, आपका पैटर्न, आपकी शर्ट, आपके सिलेक्शन पार्ट के ऊपर आ चुका है। चाहे वो सिलेक्शन किसी बुक पर हो, चाहे वो सिलेक्शन किसी भी एनिमल पे अगर आप करना चाह रहे हैं, वॉट एवर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। मेक श्योर करना है कि आपका जो बैकग्राउंड जिसके ऊपर है वो सिलेक्ट होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस पैटर्न को मैं इस बॉय की जो इमेज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि रियलिस्टिक इफेक्ट आए। ये जो अननेचुरल सा एक इफेक्ट आ रहा है ना, उसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि आपको प्रॉपर शर्ट के अंदर सिल्वेट्स भी नज़र आ रही थी ना, कि आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है सिल्वेट्स वगैरह नजर आ रहे थे। हमने अपने पैटर्न को मल्टीप्लाई कर देना है। आपने सिंपल क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है, ये नॉर्मल आ रहा है, इस नॉर्मल के ये एरो पे क्लिक करोगे और ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। या मल्टीप्लाई करते तो अब आपको सिल्वेट्स नजर आना शुरू हो चुकी हैं। अब रियलिस्टिक इफेक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। अब आपके पास डिफरेंट यहाँ पर इफेक्ट्स हैं। अगर आप यहाँ पर इफेक्ट्स डिफरेंट लगा के देखोगे, तो आप देख सकते हो कि क्या। लेकिन फिलहाल बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कि जो हम रियलिस्टिक इफेक्ट अपने डिजाइन के साथ लेना चाह रहे हैं, वो हमने मल्टीप्लाई करके हम ले सकते हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं सर, इसका जो शर्ट है इसके ऊपर हमारे कलर्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं या बहुत ज्यादा डार्क हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसे न्यूट्रल भी कर सकते हैं। कैसे ओपेसिटी आपको नजर आ रही है, इसकी ओपेसिटी अगर आप डाउन कर दें, तो आपके जो कलर्स हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ से मैं हल्का सा कम कर देता हूँ। अब आप देखें कि ये हल्का सा कलर जो है इसका डल हो गया है, और आपको जो शर्ट्स की सिल्वेट्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। और नाउ डन। और फाइनली जी हमने एक मज़े का पैटर्न अपने इमेज के साथ इजीली क्रिएट कर लिया है, ऐसा ही है। तो अब आप अपनी बेशक फाइल को सेव कर लो। सेव करने का क्राइटेरिया, फाइल, फाइल में गए सेव, और सेव में जाके सेव ऑन अ कंप्यूटर, और यहाँ पर जी आप इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दें, और यहाँ पर आप लिख दें जी पैटर्न लेक्चर DSF डिजिटल फ्लेयर, और यहाँ पर जी इसकी अडोब फोटोशॉप की फाइल सेव कर लें, ओके। और अगर आपको इसका जेपैक चाहिए, जहाँ जो कि आप अपने कहीं पे भी शोकेस करना चाह रहे हैं, तो आप दोबारा ये पहले फाइल को सेव होने दें। ये सेविंग का ऑप्शन आ रहा है, ये फाइल सेव हो रही है, और हम पैटर्न को देख लेते हैं। अच्छा, और एक इमेज हम और लेते हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, ताकि मैं उसके ऊपर भी आपको सिलेक्शन थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कैसे हम उसके अंदर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये सेविंग हो रही है, 99% ऑलमोस्ट हो चुकी है, और इसके ऊपर जी हम दोबारा से फाइल में गए। फाइल में जाके हमें क्या करना है, सेव एज में जाना है, सेव एज ऑन अ कंप्यूटर करना है, और ये सेव एज टाइप को हम जेपैक फॉर्मेट, जेपैक फॉर्मेट में यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, तो आपने सबसे ऊपर वाला इफ फॉर्मेट के नीचे जो जेपैक है उस पर जस्ट क्लिक कर देना है, और फाइनली आप इसे डेस्कटॉप पर ही सेव करवा दें। बाद में इसे किसी फोल्डर में शिफ्ट कर लीजिएगा। अच्छा, ये हमने फाइनली कर लिया। अब हम एक और इमेज जो कि हम एक और मॉडल के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट इमेज अगर हम लें, तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है, तो इसे हम ला के यहाँ पर मॉडल को रिलीज़ कर देते हैं। ये जी इमेज हमने ओपन कर लिया, और अब आपको इस वाइट सरफेस को ऐड करना है। तो ये ऐड करने का क्या तरीका है, एग्जैक्ट हम सबसे पहले वही पैटर्न पे चलेंगे कि मैंने Adobe Illustrator में फाइल को ओपन कर लिया था, यहाँ से हम इस मॉडल को ले लेते हैं। ये थोड़ा सा क्लियरली है, और अगेन सेम हम इसके साथ करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल, और यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइनली आपका जो पार्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से बस हमें थोड़ा सा प्लस करना है,
तो हम यहां से इसे प्लस कर लेते। नाउ डन, ठीक है जी, इतना पार्ट ऑलरेडी डन हो चुका है। इसकी बेशक आप लॉक को ओपन कर दें और नाउ फाइन। अब हम पैटर्न लेकर आते हैं और पैटर्न के लिए यहां से हम इस पैटर्न को हाइड कर देते हैं और कंट्रोल डी सिलेक्शन फिलहाल खत्म कर देते हैं। और एक और पैटर्न जो हमने यहाँ से डाउनलोड किया था, अब हम इसको ले आते हैं। इसको लाने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इसे ओपन कर लें अपने सॉफ्टवेयर में और अब आप इसे उठा के लेके आ सकते हैं, या यहाँ पर आप और भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं, अगर आप यहाँ पे सर्च करें तो और भी इंटरेस्टिंग से आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ पे मोटिव लिखा था, तो मोटिव के अंदर आपके पास ये भी एक ज्योमेट्रिक शेप्स भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी एक पैटर्न का बहुत अच्छा सा पैटर्न के वो हैं, यहाँ से भी आप उठा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसे ओपन कर लूँ तो ये एक बहुत मज़े का पैटर्न लग रहा है हमें, तो इसको हम उठा लेते हैं, डाउनलोड होने देते हैं। जैसे ही डाउनलोड होता है तो हम इसे उठा के अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे। ब्लू पैटर्न, तो जो लोग मुल्तान से उन्हें पता होगा ब्लू पोट्री का, तो टाइप ऑफ ब्लू पोट्री ही ये जो है इफेक्ट दे रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ से जी हम एक पैटर्न उठा लेते हैं और इस पैटर्न को अगर आपने यूज करना है तो ये देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। इसको जस्ट मैं इधर जाके अडॉप्ट फोटोशॉप के ऊपर जाके हम इसे रख देते हैं और इसको आप इतना बड़ा कर लें कि ये आपके पूरे कैनवस पे आ जाए। ये जो आपका रिसाइज हैंडल्स हैं, ऑल्ट एंड शिफ्ट एंड ड्रैग, ताकि आप इसे बड़ा कर लें। नाउ फाइन, एक पैटर्न हमने सर्कल का ले लिया है और अब हम इसे शॉर्टकट की से अप्लाई करेंगे सिलेक्शन को, कंट्रोल ए। जस्ट कंट्रोल ए किया, ऐड टू पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल किधर जाना है हमने, एडिट, एंड एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न, और डिफाइन पैटर्न के अंदर यहाँ पर आप ब्लू ब्लू कर दें ताकि आपका जो पैटर्न है वो ऐड हो जाए, एंड देन बैक टू अपने अगेन मॉडल पे आ जाएं। और यहाँ पर जी सेम दोबारा से देखें कि आपने क्या करना है। जस्ट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ये राइट क्लिक लेयर्स का, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके पैटर्न्स, और पैटर्न्स में आके आपने क्या करना है, जस्ट आपके पास ब्लू पैटर्न्स, और ब्लू पैटर्न्स में आके आपने क्या करना है, यहाँ से इसके स्केल को जरा बड़ा कर लो, देखो लाइन इसकी एक मिड में से आ जाए ताकि वो एक शर्ट का पार्ट सा ही लगने लगे। और यहाँ से जी आप इसको अगर एंगल देना चाह रहे हैं तो आप एंगल दे सकते हैं। और फाइनली आपने एक और मॉकअप के ऊपर एक अच्छे से अपना डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल में जाके मल्टीप्लाई इफेक्ट, और ये फाइनली आपकी जो शेड्स की सिल्वेट्स हैं वो भी अब आपको नज़र आ रही होंगी। इमेज थोड़ा सा स्लो हो गया है। अच्छा, पैटर्न्स वगैरह को हम यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि इमेज का जो लोड है वो कम हो। यहाँ से हम इसे भी बंद कर देते हैं और नाउ फाइन। अब आप बेशक थोड़ा सा इस इमेज के अंदर लाइट कम है तो आप इसकी लाइट को बढ़ा सकते हैं। लाइट को बढ़ाने का क्या तरीका है, एडजस्टमेंट लेयर पे चले जाएं। यहाँ से जी आप इस इमेज को पहले सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप एडजस्टमेंट पे चले जाएं और यहाँ से जाके आप इसकी ब्राइटनेस को हाई कर दें। अब इमेज की ब्राइटनेस जो है और कंट्रास्ट जो है वो आपने सेट कर लिया है। इसी तरह आपके पास लेवल्स हैं और इन लेवल्स को भी सेट कर दें। अगर आपने डिटेल से देखना है तो इनके ऊपर मेरे प्रॉपर लेक्चर्स हैं, हाउ टू ट्रीट इमेजेस, तो वो आप देख सकते हो। डिजिटल फ्लेयर की ग्राफिक डिज़ाइन की गैलरी के अंदर आपको तमाम लिंक्स मिल जाते हैं जो कि आप डिटेल से देख सकते हो कि कैसे हम अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़े का लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा, अपने रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ये भी, अगर आप लोग कुछ चाहते हैं कि आपको कुछ और नया सिखाया जाए तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा ताकि उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जो लोग डिजिटल फ्लेयर कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे प्रॉपर जो है ज्वाइन करें। इवन के आप अगर चाहें तो स्टूडेंट्स का वर्क देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स प्रॉपर अपनी असाइनमेंट्स, अपने टास्क, अपने मेंटोर्स को जमा करा रही हैं। लिंक्स के अंदर आपको फेसबुक ग्रुप भी मिल जाता है,
इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाता है, वहाँ पर भी आप जाके हाइलाइट्स में, स्टेटस में स्टूडेंट्स का काम डेली बेसिस पे जो कर रहे होते हैं वो देख सकते हैं, और बेतहाशा जो स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं और इजीली एट द एंड अपनी फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप तमाम लोग भी उन स्टूडेंट्स की तरह इन स्किल्स को सीख सकते हैं और इजीली अपने घर के किचन को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं और फ्रीलांसिंग कैरियर बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।